मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि पंडित सुखराम का वे बुजुर्ग के नाते सम्मान करते हैं, मगर जैसा कहा जा रहा है कि उनके सहयोग से सरकारें बनती हैं, वो कोई और दौर हुआ करता था, लेकिन अब अलग दौर है। इस हकीकत को उन्हें समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुखराम के सामने अपना परिवार है और उनके सामने पूरा देश है। चुनाव परिणाम आने पर सबको पता चल जाएगा। मुझे उस पर टिप्पणी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, बुजुर्ग के नाते उनके प्रति हमारा सम्मान है, वो हमेशा करना चाहिए। उनके सामने परिवार है, हमारे सामने देश है, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। दूसरे में ये भी कहना चाहता हूं, एक ऐसा वायुमंडल करने की, एक ऐसा माहौल बनाने की, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार सिर्फ उनके सहयोग की वजह से बनती है और उनके सहयोग से बनती है। उस दर में मुझे इतना ही कहना है, वक्त बहुत बदल गया है, वो दौर कोई और था, ये दौर कोई और है, जिसको उनको, इस हकीकत को उनको समझना चाहिए। और ये हकीकत जब सही मायने में आएगी तो मुझे लगता है कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तब मालूम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मुझे उस दल में कुछ नहीं कहना है, और मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एक साल के इस कार्यकाल में बेहतर काम करने की कोशिश। पंडित सुखराम के पोते आश्रय के बारे में उन्होंने कहा कि टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन टिकट का निर्णय हाईकमान करती है। वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सी बातों का निर्णय उनको स्वयं करना है। ऐसी परिस्थितियां देश के कई राजनीतिक घरानों में आ चुकी हैं। उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है, उनके विवेक पर ही छोड़ दिया गया है कि वे बेटे के साथ जाते हैं कि पार्टी के साथ। जहां तक उनका सवाल है कि पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बात करने के बाद ही वे निर्णय लेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पार्टी के चारों उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब किसी भी मुद्दे पर बात करना बाकी नहीं रह गया है। पुत्र के लिए कैसा होता है, इस बात को हम सब लोग जानते हैं। धर्म संकट में मैंने तो आज सुबह देखा, और ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि आप आराम से सोच करके, विचार करके क्या करना उचित रहेगा। उन्होंने व्यवहारिक रूप से इससे पहले देखिए, मुझे तो पार्टी का अध्यक्ष करना है, पार्टी जो मुझे कहे कि मैं वही करूं, लेकिन व्यवहारिक उस पर क्या है, इस पक्ष को उनसे देखना है। अभी तक तो अभी तक तो हम आपके पास उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने मनाने की कोशिश की पिताजी को, बेटे को। नहीं, कहा कि बहुत कोशिश की, और अभी हाल ही में पार्टी में शामिल करने के लिए आश्रय का बहुत बड़ा मेरे ऊपर बहुत दबाव था, पार्टी में शामिल उनके कहने पर हुआ, बड़े इनिशिएटिव लिया, उसके बाद ऐसे जाना, तो ऐसी बातें उन्होंने कही।